हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। गाइस, दिस सेशन पीआईबी 24/7 इज बेनिफिशियल फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरबीआई, ग्रेड बी एंड नबार्ड। सो गाइस, कीप वॉचिंग द सेशन एंड स्प्रेड द नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन। रिसेंटली एनटीपीसी हैज वन सीआईआई आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स इन द कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। फोर प्राइवेट कंपनीज हैव आल्सो वन दिस अवार्ड इन द सेम कैटेगरी। सो एनटीपीसी क्या है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और उसको ये अवार्ड मिला है सीआईआई आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। एंड अदर देन दिस, फोर प्राइवेट कंपनीज हैव आल्सो वन दिस अवार्ड इन द सेम कैटेगरी। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इनमें से कौन सी वो प्राइवेट कंपनी है जो नहीं है, जिसको अवार्ड नहीं मिला है? ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट दिस। सो रिसेंटली एनटीपीसी वन सीआईआई आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। नाउ गाइज, लेट अस डिस्कस की व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड की एनटीपीसी को यह अवार्ड मिला। ऑलराइट, सो रीजन नंबर वन इज दैट एनटीपीसी ऑलवेज स्ट्राइव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इट्स कम्युनिटीज अराउंड द पावर स्टेशन। जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितनी भी चीजें हैं उनके आसपास, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनटीपीसी कार्यरत रहता है। इट्स फ्लैगशिप सीएसआर प्रोग्राम विच इज गर्ल एम्पावरमेंट मिशन हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द विसिनिटी ऑफ पावर स्टेशंस फॉर बेनिफिट ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स। जहां जहां पे भी पावर स्टेशंस हैं, वहां वहां पे इनका जो सीएसआर प्रोग्राम है, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है बाय एनटीपीसी। इट हैज ऑल्सो इनिशिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू विच पेमेंट टू द लेबरर्स इज पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ एट प्रोजेक्ट साइट्स। लास्ट डे ऑफ द मंथ पे जो भी लेबरर्स हैं उनको पेमेंट कर दिया जाता है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड मैकेनिज्म फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड हैज आइडेंटिफाइड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल कंप्लायंस फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी रिस्क एंड डेवलप मिटिगेशन प्लान्स टू डील विद द रिस्क। जो भी रिस्क हैं, जितने भी तरीके के रिस्क हैं, उन सभी के लिए इनके पास मिटिगेशन प्लान है और इनके पास एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है फॉर रिस्क मैनेजमेंट। The organization has a comprehensive process to identify training needs and development and periodically reviews the initiatives and performance. And NTPC has diversified its power production through renewables including solar and wind, which are the sustainable sources of energy. इसके अलावा बहुत बड़ा रीजन ये है कि NTPC ने जो पावर प्रोडक्शन है उसको renewable energies जो है renewable sources है उनकी मदद से करना स्टार्ट कर दिया है, like solar energy and wind energy. Right, so these are some reasons कि उनको ये NTPC को अवार्ड दिया गया है। एंड देर आर फोर प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो जिनको सेम कैटेगरी में अवार्ड मिला है, एंड दीज आर ACC लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्री, हिंडालको इंडस्ट्रीज एंड हीरो मोटर कॉर्प। इन चार कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को सेम कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, सो दीज अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2006 टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सीलेंस इज द सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। Alright, and this award is given in two categories, that is corporate excellence and domain excellence. And in the domain excellence, there are three subcategories which are environment management, CSR and biodiversity. In सभी categories में अलग अलग companies का award दिया गया है। इन सारे categories के awards को याद रखने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। And we are talking specially about NTPC because NTPC is a public sector undertaking. इसके अलावा जो भी prizes हैं ये किसको मिले हैं? Private companies को, but क्योंकि NTPC एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो इसलिए ये हमारे लिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन गाइस। सो द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, नॉट वन ऑफ दोज फोर प्राइवेट कंपनीज जिनको अवार्ड मिला। ऑलराइट, सो हीरो मोटर कॉर्प को मिला है, ACC लिमिटेड को मिला है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हिंडालको, बजाज मोटर्स को नहीं मिला है गाइस। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन बी, बजाज मोटर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू विच इज अबाउट द ATP ATL, this should be ATL app development. Yes. Okay. So question number two is, Atal Innovation Mission has launched ATL app development module for school students. Which of the following is are not the features of the module? So Atal Tinkering Lab app development module start kiya gaya hai through the Atal Innovation Mission. To hume batana hai ki us module ka inme se kya feature nahi hai. Okay. So let us discuss about this guys first. So, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद अ प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है प्लेज्मो हैज लॉन्च्ड दिस मिशन विच इज नोन एज ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। और ये जो ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल है ये क्यों स्टार्ट किया गया है? टू ट्रांसफॉर्म
स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम ऐप यूजर्स टू ऐप डेवलपर्स, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ऐप डेवलपमेंट की जो टैलेंट है उसको डेवलप करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एम ऑफ दिस मिशन, सो एम नंबर वन इज टू एनहांस द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द एरिया ऑफ ऐप डेवलपमेंट एंड टू क्रिएट इन देम एन इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टूवर्ड्स द ऐप डेवलपमेंट. ऐप डेवलपमेंट के टूवर्ड्स क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और उनके अंदर स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए फॉर द ऐप डेवलपमेंट इस मिशन को लॉन्च किया गया है. एंड ऑल्सो टू फुलफिल द पीएम कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स के अंदर हम ऐप डेवलपमेंट का स्किल डेवलप करेंगे देन दे विल बी एबल टू डेवलप द ऐप, और जिसकी मदद से हम जो फॉरेन ऐप्स है उनको रिप्लेस कर पाएंगे विद द इंडियन ऐप्स. ऑलराइट, and if we talk about the guys features of the module, so it is an online course and it will be completely free for all. There will be 6 project based learning modules and online mentoring sessions. Young innovators can learn to build mobile apps, all right, to build capacities and equipment for app development within school teachers. Periodic teacher training sessions will be conducted. Jo school teachers hai unke andar jo capacities hai usko develop karne ke liye टीचर ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट कराए जाएंगे. एंड गाइस दिस वुड बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऐप लर्निंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एट अ स्कूल लेवल इन एनी कंट्री. पूरी दुनिया में कहीं पे भी इस तरीके का इनिशिएटिव नहीं चल रहा है जहां पे इतने लार्ज स्केल पे ऐप लर्निंग और डेवलपमेंट सिखाया जा रहा हो. नाउ व्हाट वाज द नीड ऑफ लॉन्चिंग दिस मॉड्यूल गाइस, सो एक नीड हम सबको पता है दैट इन द वेक ऑफ COVID-19 वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत है. राइट, एंड अदर देन दिस जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है. इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, सो दिस मॉड्यूल विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एप्स इन इंडिया विच विल अल्टीमेटली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी. राइट, क्योंकि हमारे देश में ऐप डेवलप होंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका जो अर्निंग्स होगा वो इंक्रीज होगा. एंड ऑब्वियसली अगर उनका अर्निंग्स इंक्रीज होगा तो दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ जीडीपी. राइट, and in today's competitive world we have to train our students in the area of technology so that they can come forward for innovation, because guys aajkal ke artificial intelligence ke zamane mein machine learning ke zamane mein technology ka bahut bada role hai. so hame hamare students ko starting se hi taiyar karna hoga taki wo innovators ban sake, entrepreneurs ban sake aur technology ke sath just they can play with the technology. so right, now what will be the benefits of this module, so this will empower our young generation in making India a global technology superpower. it will contribute to the vision of Atmanirbhar Bharat and promote the call for vocal for local, jo hamare prime minister ne vocal for local ka nara diya tha usko ye promote karega. it will foster learning and creativity within young minds. right, and COVID-19 pandemic has brought about a big disruption, और उस big disruption को tackle करने के लिए हमें technology का सामना करना, technology का use करना बहुत जरूरी है. so COVID-19 has brought about a big disruption and for that and for eliminating that disruption we have to use the technology in a large scale manner. alright, so these are some benefits of this module. and if you talk about Atal Innovation Mission, so it is a flagship initiative by Niti Aayog to promote innovation and entrepreneurship across the country. Niti Aayog guys, it was established in the year 2015 on 1st January, and it is headed by the Prime Minister of India, and the CEO is Amitabh Kant, and the vice chairperson of Niti Aayog currently is Mr. Rajiv Kumar. All right, and it is headquartered in New Delhi, and of course it has replaced Planning Commission. So Atal Innovation Mission has the following 2 core functions, which are entrepreneurship promotion and innovation promotion. So is mission ke antargat entrepreneurship aur innovation dono ko hi promote kiya jata hai, and there are some components of this mission like Atal Tinkering Labs, Atal Incubators, Atal New India Challenges and Mentors of Change. So guys, this is about Atal Innovation Mission. Now let's move on to the question. So the question is, which of the following is are not the feature of this module? So statement 1 is there will be 6 project based learning modules and online mentoring sessions through which young innovators can learn to build mobile apps. Yes, this is one of the features. It is an online course and 500 per month is the fee. No guys, it is free for all. And statement 3 is periodic teacher training sessions will be conducted. Yes, periodic teacher training sessions conduct kiye jayenge taki teachers ke andar capacities build ki ja sake for the app development. These periodic teacher training sessions will be conducted to build capacities in teacher for app development. All right, so therefore guys, the correct answer should be what? Option B, only 2. Now let's move on to question number 3.
So recently, India's Tiger Census sets a Guinness World Record for being the world's largest camera trap wildlife survey. जो 2018 का इंडिया का टारगेट टाइगर सेंसस था उसके अंदर कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था फॉर द काउंटिंग ऑफ टाइगर्स. सो विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी दैट वॉज यूज इन 2018, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन करेक्ट स्टेटमेंट. हमें इन करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी विच वॉज यूज इन द 2018 टाइगर सेंसस. ओके, सो गाइज लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो रिसेंटली इंडियाज टाइगर सेंसस गेट्स this Guinness World Record for being the world's largest camera trap wildlife survey. Okay, and let's talk about the record. So it was the most comprehensive to date in terms of both resource and data amassed. Jitne zyada resource aur jitne zyada amassed the usme sabse zyada comprehensive tha ye. Camera traps were placed in this much locations across 141 different sites and surveyed an effective area of this much square kilometers. You don't have to remember these data guys. Ye data aapko yaad karne ki koi zarurat nahi hai. And from these photographs, 2461 individual tigers, excluding cubs, were identified using stripe pattern recognition software. Stripes ke pattern ko use karte hue 2461 individual tigers ko identify kiya gaya through these photographs, excluding cubs. 2461 individual tigers, you can remember ki kitne tigers ko photographs ki madad se identify kiya gaya tha. Okay. And if you talk about this camera trap technology, so what is it? So guys, a camera trap is basically a रिमोटली एक्टिवेटेड कैमरा जिसके अंदर मोशन सेंसर या फिर इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है जो कि लाइट बीम को यूज करता है एज अ ट्रिगर. सो कैमरा ट्रैप बेसिकली इट इज अ रिमोटली एक्टिवेटेड कैमरा दैट यूजेस मोशन सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर एंड अ लाइट बीम एज अ ट्रिगर. ऑलराइट, इट इज अ मेथड फॉर कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स ऑन फिल्म व्हेन रिसर्चर्स आर नॉट प्रेजेंट एंड हैज बीन यूज्ड इन इकोलॉजिकल रिसर्च. मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन का इसमें बहुत ज्यादा कम ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है इसके अंदर एंड विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन इसके अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स है वो कैप्चर की जा सकती है. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट दे कैन रिकॉर्ड वेरी एक्यूरेट डेटा विदाउट डिस्टर्बिंग द फोटोग्राफ्ड एनिमल एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन क्वान्टिफाइंग द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया. सो गाइस, दिस इज अबाउट द कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी. आई होप आपको ये टेक्नोलॉजी क्लियर है. बेसिकली इसमें एक कैमरा होता है जो कि एक थोड़ा दूरी पे लगाया जाता है और अगर कोई एनिमल यहाँ से पास होता है, इफ एन एनिमल पासेस बाय, देन दिस कैमरा कैप्चर्स द इमेज ऑफ दैट एनिमल एंड दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड इट इन द टाइगर सेंसस ऑफ 2018. ऑलराइट, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? सो गाइस, दिस टेक्नोलॉजी हैव रेवोल्यूशनलाइज्ड वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन विद लिटिल एक्सपेंस, रिलेटिव ईज एंड मिनिमल डिस्टर्बेंस टू वाइल्ड लाइफ. इससे किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस नहीं होती. ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है और रिलेटिवली इजी है ये मेथड टू काउंट द नंबर ऑफ एनिमल्स. कैमरा ट्रैप्स इनेबल द कलेक्शन ऑफ बेसलाइन पॉपुलेशन डेटा ऑन इल्यूसिव मैमल्स एंड बर्ड्स वेयर ओनली एस्टिमेट्स वर पॉसिबल बिफोर. इससे पहले क्या होता था कि कहीं पे कुछ ऐसे मैमल्स और बर्ड्स है जिनकी काउंटिंग करनी काफी मुश्किल होती थी, या फिर मतलब वो इसलिए मुश्किल होती थी बिकॉज वहां तक जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता था. सो इन दैट केस जब केवल एस्टिमेट्स किए जाते थे, नाउ विद द हेल्प ऑफ कैमरा ट्रैप्स वी कैन ऑल्सो कलेक्ट द डेटा ऑफ दोज पॉपुलेशन. ऑलराइट, एंड इट हैज वेरी लेस ह्यूमन इंटरवेंशन एंड गिव्स वेरी एक्यूरेट डेटा. सो दिस इज दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. एंड इफ यू टॉक अबाउट टाइगर सेंसस, सो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन डन क्वाड्रेनली बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ऑलराइट, चार साल में एक बार किया जाता है बाय NTCA और उसमें टेक्निकल सपोर्ट किसका होता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सबसे पहला किया गया था 2006 में और उसके बाद हर चार साल के बाद किया जाता है. अब तक चार बार किया जा चुका है, 2006, 10, 14 and 18. एंड एज पर द 2018 रिपोर्ट देर आर 2967 टाइगर्स इन आर कंट्री. सो गाइज, दिस इज अबाउट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑलराइट, so camera trapping is a method for capturing wild animals on film when researchers are not present. Yes, it is a remotely activated camera that is equipped with a motion sensor or an infrared sensor. Yes, it is being used in India since the first tiger census. No guys, ye sabse pehli baar 2018 mein use kiya gaya iska. So therefore the correct answer will be what? Option C. And option D is the great advantage of this is that they can record very accurate data without disturbing the photographed animal. So this is also correct. So jo hamara sahi answer hai, that is option C. Now let's move on to question number 4, which is about WHO
ने रिसेंटली 2 countries को मीजल्स और रुबेला फ्री कर दिया है, ये उसी के बारे में है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज रिसेंटली WHO हैज डिक्लेयर्ड 2 countries एज मीजल्स एंड रुबेला फ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2। ये दोनों कंट्री का नाम हमें बताना है। सो लेट्स डिस्कस दिस। सो रिसेंटली WHO विच इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा एंड WHO चीफ इज टेड्रोस अदानोम, और टेड्रोस अदानोम का नाम आज की डेट में हर कोई जानता है आफ्टर COVID-19। सो WHO हैज सेड दैट मीजल्स एंड रुबेला हैव बीन इरैडिकेटेड फ्रॉम श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स में से जो मीजल्स और रुबेला है वो इरैडिकेट हो चुका है। सो अ कंट्री इज वेरीफाइड एज हैविंग एलिमिनेटेड मीजल्स एंड रुबेला व्हेन देयर इज नो एविडेंस ऑफ एंडेमिक ट्रांसमिशन ऑफ द मीजल्स एंड रुबेला वायरसेस फॉर ओवर 3 years। 3 साल से ज्यादा जब कोई मीजल्स और रुबेला वायरस का एंडेमिक ट्रांसमिशन नहीं होता है तो ये माना जाता है कि दैट कंट्री इज फ्री ऑफ दीज 2 diseases, मीजल्स एंड रुबेला। ऑलराइट, एंड व्हाट इज द नीड फॉर एलिमिनेशन? सो गाइस, दिस इज वेरी ऑब्वियस आंसर है इसका, दैट एलिमिनेटिंग मीजल्स विल प्रिवेंट 5 lakh डेथ्स ईयर इन द रीजन, वाइल एलिमिनेटिंग रुबेला वुड अवर्ट अबाउट 55,000 केसेस ऑफ रुबेला एंड प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ प्रेगनेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स। ऑब्वियसली किसी भी बीमारी को एलिमिनेट करने की नीड हम सब जानते हैं। सो अगर आपके एग्जाम में आएगा सो यू कैन इजिली राइट डाउन एनी 2 or 3 points अबाउट द नीड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज। ऑलराइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट केस, सो इन मालदीव्स रिपोर्टेड लास्ट एंडेमिक केस ऑफ मीजल्स वॉज इन 2009 while that of rubella was in October 2015। एंड इफ यू टॉक अबाउट श्रीलंका एंड लास्ट एंडेमिक केस ऑफ मीजल्स वॉज इन 2016 एंड ऑफ रुबेला वॉज इन March 2017। और ये जो दोनों कंट्रीज है इन्होंने 2023 के टारगेट से बहुत पहले अपने टारगेट को अचीव कर लिया। दे हैव अचीव्ड दिस एलिमिनेशन टारगेट अहेड ऑफ द 2023 टारगेट। Alright, so therefore guys the correct answer should be what? Sri Lanka and Maldives. So option B, 2 and 3 will be the correct answer. Now let's move on to question number 5, which is very important question. So question number 5 is on National Fish Farmers Day. This is very important question for NABARD guys. NABARD ke liye kafi zyada important question hai and of course UPSC ke liye bhi. So on National Fish Farmers Day, fish cryo banks were announced to be established. National Fish Farmers Day, that is every year observed on 10th of July. Okay, and on this day, this year fish cryobanks were announced to be established. So the question is, these cryobanks will be established in collaboration with Dash by Dash. Kiske collaboration ke saath aur kiske dwara is fish cryobanks ko establish kiya jayega. Okay, so let us discuss about this. So National Fish Farmers Day 2020 ke din ek webinar was hosted by the Department of Fisheries which works under Ministry of Fisheries. Ministry of Fisheries is headed by Mr. Giriraj Singh and he is Lok Sabha MP from Begusarai. Right, and this year in collaboration with NFDB, National Fisheries Development Board, Department of Fisheries has organized a webinar on this day, National Fish Farmers Day, which is every year celebrated on 10th of July. Alright, now why this day is observed? So this day is observed in remembrance of scientist Dr. K.H. Elukuni and Dr. H.L. Chaudhary, jinhone successfully demonstrate kiya tha technology of induced breeding in Indian major carps. Alright, Indian major carps ke andar jo induced breeding ki technology hai, usko inhone demonstrate kiya tha on this day in the year 1957. So in the remembrance of that day, Dr. K.H. Elukuni and Dr. H.L. Chaudhary ki remembrance mein ye National Fish Farmers Day observe kiya jata hai every year on 10th of July. And what is the aim of observing this day guys? So to recognize the contribution of fish farmers to improve the fishery sector, jiski wajah se is day ko observe kiya jata hai, and to draw attention to changing the way the country manages fisheries resources to ensure sustainable stocks and healthy ecosystem. So basically जो हमारे फिश फार्मर्स है वो किस तरीके से फिशरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन दिस डे, और ये अटेंशन ड्रॉ किया जाता है कंट्री का कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को अपने वेज को चेंज कर सकते हैं ताकि जो हमारा फिशरीज रिसोर्स है उसको सस्टेनेबली मैनेज किया जा सके. ऑलराइट, एंड ऑन दिस डे देयर वाज एन अनाउंसमेंट ऑफ फिश क्रायो बैंक. Okay, so NFDB in collaboration with NBFGR will take up this work to establish fish cryobanks in different parts of the country, and it will facilitate the availability of fish sperms of desired species to fish farmers, ताकि जो breeding है वो बहुत large scale पे की जा सके.
And this would be the first time in the world when fish cryobank will be established in any country. And there is one technology which is known as cryo-milt technology, which was developed by NBFGR in support with NFDB. This technology will be helpful in establishment of this bank, which will provide good quality of fish ponds in hatcheries at any time. Okay. And if you talk about National Fisheries Development Board, so it was established in 2006 under the control of Ministry of Agriculture and Farmers, but now it works under the aegis of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Farming and Dairying. And its mandate is to enhance fish production in the country and to coordinate fishery development in holistic manner. And if you talk about National Bureau of Fish Genetic Resources, which in short is NBFGR, it was established in 1983 under ICAR, and its mandate is to explore and characterization of fish genetic resources and to maintain and preserve the fish genetic resources. Alright, so guys, now let's move on to the question. So the question was, these cryobanks will be established in collaboration with Dash by Dash. So it will be established in collaboration with National Bureau of Fish Genetic Resources by National Fisheries Development Board. So take option A, 1 and 2 will be the correct answer. Okay guys, so that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.